हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू चैप्टर्स एडिटिंग के बारे में पढ़ते हैं। एडिटिंग होता क्या है? एडिटिंग टॉपिक समझ में आया, कुछ एडिट करना समझ में आया। जैसे हम फोटो को एडिटिंग करते हैं, बुक्स में कोई लाइन एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग मतलब ये होता है कि कोई वर्ड गलत हो या कोई चीज़ गलत हो, जो हम लोग मिसप्लेस टाइप की सेंस चाहिए, हम लोग उसको एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग हम लोग चैप्टर जस्ट पढ़ते हैं। देखिए, एडिटिंग में पहले देखिए एक टॉपिक दिया रहेगा आपको, या पैराग्राफ या सेंटेंस कुछ भी दिया रहेगा। वो सेंटेंस में कुछ ना कुछ, हर सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ड गलत होगा। हमें वो सेंटेंस को पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड गलत है, क्या और कौन सा वर्ड फिट होगा। अगर कुछ गलत वर्ड है तो कौन सा फिट करना है। पहले क्या करना है, हमें पहले पैसेज पूरा पढ़ना है और समझना है कि वो पैसेज कौन से टेंस में, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस कौन सा टेंस में। आइए पहले हमें पैसेज पढ़ेंगे और फिर समझेंगे कौन सा है। मेनी चिल्ड्रन स्पेंड मोर ऑफ देयर टाइम watch video game rather than being active. There were two main reasons for this strong habit. जब पैसे समझ के हम लोग को समझ में आएगा कि काम कंटिन्यू है, कोई भी मतलब कंटिन्यूस में है, कोई भी काम चल रहा है। देखिए, अब हम लोग समझ गए कि पहले पैसेज क्या है। चलो बॉस से समझ गए कि बहुत सारे बच्चे हैं जो आजकल वीडियो गेम में टाइम वेस्ट करते हैं, ना कि बाहर खेलने जाते हैं। देखिए, साथ आपका प्रॉब्लम है, आजकल बच्चों को यही प्रॉब्लम है कि ज्यादा टाइम वो लोग घर में बैठ के टीवी या वीडियो गेम्स खेलते हैं, ताकि वो बाहर जाके खेलते हैं। ये पैसे से हमें समझ में है कि पैसे किस बात में इशू है, ये भी समझ में है कि कौन सा टेंस में है, कंटिन्यूस है कि प्रेजेंट है, क्या है, कम समझ में आ गया। अब हम लोग उसमें सोचते हैं कि कौन कैसे कैसे मिस्टेक है, कैसे कैसे उसको रेक्टिफाई करना है। पहला क्या है, मेनी चिल्ड्रन स्पेंड मोर ऑफ देयर टाइम वॉचिंग वीडियो गेम्स रैदर देन बीइंग एक्टिव। पहला क्या करना है, हमें सेंटेंस स्टार्टिंग से जहाँ तक पहुँचते हैं वहाँ तक पढ़ना है। ठीक, अब समझ में, मेनी चिल्ड्रन स्पेंड मोर ऑफ देयर टाइम्स, मोर समझ में, मोर मेनली हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, कोई भी सेंटेंस भी वर्ड्स में मेनली कंपैरिजन के लिए। और यहाँ पे कुछ कंपैरिजन ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मोर की जगह यहाँ पे हमारा राइट आंसर मोस्ट हो जाएगा, ये हमारा वर्ड। क्योंकि मोर हम लोग मेनली कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, पर यहाँ पे कुछ कंपेयर कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारा पे मोस्ट हो गया। अब सेकेंड में देखिए बिहेवियर, फिर से हम लोग स्टार्टिंग फर्स्ट ही पढ़ेंगे। मेनी चिल्ड्रन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम वॉच वीडियो गेम, समझ में आया कि जब काम कंटिन्यूस में है, जब टेंस कंटिन्यूस में है, यहाँ पे वॉच कैसे हो जाएगा, वॉचिंग वीडियो गेम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वॉचिंग रेदर देन बीइंग एक्टिव। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक अब कोई डाउट मिस्टेक नहीं। अब हम लोग सेकंड में आते हैं। देयर आर टू मेन रीजंस फॉर दिस स्ट्रॉन्ग हैबिट्स। देयर आर टू मेन कहीं सूट कर रहा है कि टू मेन क्या चीज, टू मेन देयर आर होगा ना, देयर जब यहाँ पे देयर वेयर है तो टू वेयर, देयर वेयर टू मेन, जब पता है काम कंटिन्यूस में तो वेयर होगा, क्या हो जाएगा, देयर वॉज टू मेन, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वॉज हो जाएगा, देयर वॉज टू मेन रीजंस फॉर दिस। अब हम लोग यहाँ भी हो गया टू मेन रीजन फॉर स्ट्रॉन्ग हैबिट्स। अगर थर्ड लाइन में भी हमारा है तो फिर से हमारा फोर्थ लाइन में भी हमारा डाउट है, फिर से हम याद करेंगे देयर वाज टू मेन रीजन फॉर दिस स्ट्रॉन्ग हैबिट क्या हो जाएगा हमारा, फॉर की जगह रीजन पाइए, देयर वाज टू मेन रीजन फॉर दिस स्ट्रॉन्ग हैबिट, कुछ भी इसमें फॉर तो होगा तो क्या हो जाएगा, बिहाइंड दिस स्ट्रॉन्ग हैबिट, फॉर तो होगा ही नहीं ना, तो क्या हो जाएगा बिहाइंड। यहाँ पे देयर वॉज टू मीन्स रीजंस फॉर द परसूट की तरह लाइन में डेंटल मिस्टेक है, दिस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा बिहाइंड दिस स्ट्रॉन्ग हैबिट। ये मेरा पहला क्लियर हो गया। अब हम लोग अपना दूसरा में आते हैं। सॉरी, यहाँ पे वैन नहीं होगा, मिस्टेक ही होगा, देयर आर होगा ना, क्योंकि यहाँ पे काम कंटिन्यूस में तो यहाँ पे हमारा आर हो जाएगा। देयर आर टू मीन्स रीजंस फॉर दिस स्ट्रॉन्ग हैबिट, यहाँ पे हमारा वॉज की जगह हमारा आर हो जाएगा, देयर आर टू मीन्स रीजन, क्योंकि बहुत सारी रीजन है ना, एक दूसरे रीजन है तो आर, इसलिए देयर आर टू मीन्स रीजन। अब सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं। राम वॉज अ यंग बॉय, सी ग्रू अप टू ए स्मॉल टाउन इन केरला, सी लव फुटबॉल एंड ड्रीम अबाउट प्ले इन नेशनल लेवल। पहले हम पैसे समझते कि अच्छा, एक राम एक लड़का है जो कहाँ पे पैदा हुआ है, केरला में पैदा हुआ है, केरला के कुछ स्मॉल गांव में, टाउन में पैदा हुआ है। उसका ड्रीम क्या है कि वो फुटबॉल खेले, उसका ड्रीम क्या है वो फुटबॉल खेले, और फुटबॉल किसमें नेशनल लेवल में खेले। ठीक, तो समझ में आया कि जो पता है कि वो पास्ट टेंस का ड्रीम है, उसका सपना है, ड्रीम है, पास्ट टेंस है, तो ये वो एक्टिविटी किसमें होगा, पास्ट टेंस में होगा।
क्या होता है जहाँ पे राम वॉज अ यंग बॉय, इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा नहीं ना, उसको लीव करते. राम वॉज यंग बॉय, राम में छोटा बच्चा था, कोई मिस्टेक नहीं लग रहा, हाँ उसका छोटा बच्चा था. ये ग्रू अप टू ए स्मॉल टाउन इन केरला, ये ग्रू अप टू ए स्मॉल टाउन इन केरला. यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इन केरला स्मॉल टाउन है, तो स्मॉल टाउन के थ्रू होगा कि ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा. ही ग्रू अप, ही ग्रू अप टू ए, यहाँ पे टू के जगह हमारा इन हो जाएगा. ग्रू अप इन ए स्मॉल टाउन, क्यों, स्मॉल टाउन के अंदर पैदा हुआ है तो इन हो जाएगा. जब भी होता है बाउंडेड है ना, इन क्यों हम लोग यूज करते हैं, बाउंडेड एरिया के लिए. इसलिए यहाँ पे स्मॉल टाउन की जगह यहाँ पे इन हो जाएगा, यहाँ पे टू की जगह हमारा. सेकेंड में देखते हैं, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया स्मॉल टाउन के अंदर केरला, यहाँ तक कोई नहीं है. अब यहाँ पे सी लव फुटबॉल एंड ड्रीम अबाउट प्ले, ये देखिए यहाँ पे हमारा ड्रीम है, ईदी लगा हुआ है. यहाँ पे लव कैसे हो सकता है जब यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट टेंस में ईदी लगा हुआ है, यहाँ पे लव कैसे हो पाते, मतलब यहाँ पे इतना मिस्टेक हो गया, तो कौन सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, लव के जगह क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा. सी लव फुटबॉल एंड ड्रीम अबाउट प्ले, तो यहाँ पे प्ले कैसे हो जाएगा, ड्रीम अबाउट प्ले सूट कर रहा क्या, और ये टेंस में सूट है, सूटेबल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्ले का जगह प्लेइंग, ड्रीम अबाउट प्लेइंग आईएनजी. इंटरनेशनल लेवल इन, फिर यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ पे थर्ड में आया ना, उस फिर से यहाँ से पढ़ते हैं लोग. सी लव फुटबॉल, सी लव फुटबॉल एंड ड्रीम अबाउट प्ले इन द नेशनल लेवल कैसे हो जाएगा, क्योंकि नेशनल लेवल तो एक पर्टिकुलर गेम है ना, फिक्स गेम है ना, जो एक पर्टिकुलर और फिक्स एग्जैक्ट रहता है, उसके अंदर एग्जैक्ट क्लियर में क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं, इन नहीं, इन द बाउंड्रेड के लिए यूज करते हैं ना हम लोग, लेकिन एट क्यों करते हैं, एग्जैक्ट के लिए. यहाँ पे इन पे जो यहाँ पे हमारा इन पे क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा. इन पे क्या हो जाएगा, हमारा एट हो जाएगा. अगर मुझे लगा एडिटिंग आपको सब क्लियर हो गया होगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा. थैंक यू.